हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मदर्स डे पे हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स। हमारी सभी माताओं को प्रणाम मेरी तरफ से। और आज थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ माँ को। और सबसे बड़ी यार कमी हमारी पता क्या होती है, पता नहीं सबके साथ, वो जाकिर खान वाली बात है ना, कि हम जो मिडिल क्लास वाले हैं ना, तो वो जब मम्मी पापा के साथ होते हैं ना, तो उतना प्यार एक्सप्रेस कर नहीं पाते। लेकिन जब उनसे दूर होते हैं ना, तो बड़ा मिस करते हैं, है ना। कभी कभी तो याद करके हम रोते भी हैं कि यार मम्मी की याद आ रही है ना। बच्चे तो बच्चे ही है, दिल तो बच्चा ही है ना यार, कितने भी बड़े हो गए। तो ये मैं आज सोच रहा था। सो बस यही मेरे को बोलना था कि या मॉम डैड को कि यस, वी स्टिल मिस यू एंड थैंक्स फॉर बीइंग देयर फॉर आई मीन ऑल ऑफ अस। जब भी हमें कुछ भी जरूरत थी, तो दे गाइस आर ऑलवेज विद मी। एंड आज अब थोड़ा सा अच्छा टाइम है, आई कैन से। तो या अच्छे टाइम पे जो भी लोग आपका साथ देते हैं, तो उनको याद करना बहुत जरूरी होता है। एंड दैट्स व्हाट, दैट्स द वे आई थिंक। तो इस तरह से मेरा मानना है। एंड या वंस अगेन आई लव यू मॉम, हैप्पी मदर्स डे। एंड मे बी वीडियो कॉल पे ये चीज़ ना बोल पाए, होता है ना कि इट्स या आई रियली बिलीव दिस। एंड बाकी अभी खाना बनाने वाले हैं, और भी दिन में आज का ओ पी है हमारा, एंड देन कल हम ज्वाइन करेंगे दोबारा से अपनी लैब। सो या अभी खाना बनाने वाले हैं। सो बाय बाय अप टू देन। सो आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी मेरे साथी हैं, क्वालिटी पीपल जो मेरे साथ हैं अभी तक लाइफ में, तो सबसे मैं यही बोलना चाहूँगा कि यार जितना भी, जितनी बार भी आपको मौका मिले आपके मोम डैड को खुश करने का, उनके साथ कुछ मोमेंट्स स्पेंड करने का, तो पीछे मत हटिएगा। जस्ट ट्राई टू मेक देम हैप्पी। एंड इन माई केस आई एम सो मच हैप्पी दैट आई हैव गॉट अ यू नो वेरी रेस्पॉन्सिबल ब्रदर। तो मुझे कभी लगता नहीं है कि कुछ भी घर पे दिक्कत होगी। सी या आई फील दिस बाय हार्ट। तो इस तरह का हमारा फैमिली का कुछ है। एंड दो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कि कभी भी मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत टेंशन होती होगी, तो उनकी वजह से सब ठीक हो जाता है। एंड तो इस तरह का सबके साथ होना चाहिए। सो दैट्स बाय मी, दैट्स फ्रॉम माई साइड ऑन दिस मदर्स डे। एंड या सबको मेरी तरफ से वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो एक नए डे की शुरुआत करते हुए हम, तो आज हमने सोचा कि खाना खुद बनाते हैं। तो अभी आलू की सब्जी बना चुके हैं हम, एंड नाउ पेयरिंग दिस रोटियां बना रहे हैं। तो इतना बड़ा बेलन होता है यहाँ पे, और ये इन्होंने दे रखा है आटा गूंदने के लिए। तो ये अपने ललित भाई है, उन्होंने आटा अपने लिए लगाया, क्योंकि ये मेरे को सबसे डिफिकल्ट काम लगता है, अदरवाइज सारे मैं कर लेता हूँ। और इस तरह से हम, पता नहीं गोल रोटियाँ बन रही है या नहीं बन रही, बट अवर क्योंकि हम दो ही हैं खाने वाले, तो इतना कुछ है नहीं, कोई जजमेंट वाला सीन। तो रोटियां अच्छे से बना रहे हैं हम, और देखते हैं कि रसोई में यार वो जो चिमटा होता है ना इंडिया में, जो बोलते हैं, पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वो नहीं है यहाँ पे, तो वो एक अलग मशक्कत होगी। और साथ ही में हमने बनाया है आलू की सब्जी बनाई है, तो यू कैन सी इस तरह की ये सब्जी बनी है। फ्रेगनेंस अच्छी है, आप लोग अगर होते साथ में तो टेस्ट भी कराता। एंड ये देखिए सारा अब कर दिया मैंने, एंड अभी रोटियां पकाते हैं। तो रोटियां फूटती है या नहीं, ये एक क्वेश्चन है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। ओ वाह वाह वाह, रोटियां फूलने लगी है, वाह वंडरफुल। ये तो हमारे साथ कभी इंडिया में भी नहीं हुआ था। एंड यहाँ पे देखिए इतनी अच्छी रोटियां फूलने लगी है। ओके, सो नाउ इट्स वर्किंग, एवरीथिंग इज वर्किंग। एंड ये दूसरी रोटी हमने स्टार्ट कर दी है, और ललित भाई ने थोड़ी सी जला दी है। एनीवेज कुछ बात, कोई बात नहीं। तो इस लड़के को कोई बोलो कि यार थोड़ा सा बाद में लगा देंगे घी, तू उसको ध्यान दे। तो फाइनली हमारी रोटियां फूलने लगी है, एंड अभी मैं और रोटियां बेलता हूँ दो चीन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो इस मदर्स डे पे सभी माताओं को मेरा नमन, जिन्होंने हमें रोटी बनाने और रोटी कमाने के लायक बनाया। सो आई विश अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द ब्यूटिफुल हार्ड वर्किंग मदर्स, जिन्होंने हमें अपना पूरा ताकत लगा के, पूरी मेहनत लगा के, पूरे एक कैरेक्टर बिल्डिंग में हमारी हेल्प करी। एंड सभी माताओं को मैं ये आई वॉन्ट टू विश हैप्पी मदर्स डे। एंड बस अभी आज का दिन हमारा यही है कि सारा खाना हम खुद से बना रहे हैं, एंड छुट्टी है तो ज़्यादा जाने आने का सोचना नहीं है। और इसके बाद शाम को आज रनिंग का प्लान है, तो देखते हैं किस तरह का हो पाता। अभी तो खाना बना रहे हैं, और एक शायद गलती हमसे हो गई है, क्योंकि ये जो रोटियाँ है ना, ये आटा भटूरे वाला आटा है, और उससे बिकॉज यहाँ पे यार समझ नहीं आता कि कौन सा फ्लोर, विच वन टू बाय, विच नॉट टू बाय। तो धीरे धीरे वी आर एक्सप्लोरिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और ये देखिए रूम भी थोड़ा मैशी हो रखा है, तो आज रूम की सफाई करने का भी हमने सोचा है।
एंड देन हम शाम को निकलेंगे सिटी सेंटर की तरफ, जहाँ पे दौड़ने जाएंगे। यहाँ पे यार थोड़े 2-2 किलोमीटर के लिए ना लोग बस लेते हैं, और उसका एटलीस्ट 100 रुपये किराया होता है आई गेस। ये चीज़ देखी है मैंने कल, शायद हम 5-6 किलोमीटर ऐसे ही चले गए। एंड हमारे जो साथी थे वो कह रहे कि यार वाई डोंट यू टेक बस, मैंने कहा दिस इज़ नॉर्मल फॉर अस। दोस्तों फाइनली खाना बन चुका है, देखिए ये रोटियां हैं हमारी, ये घर से जो मैं बता रहा था शक्कर आई हुई है फतेहाबाद से, तो शक्कर हमने घी के साथ भिगो के खा रहे हैं। एंड ये सब्जी हमारी यानी रोटी, एंड ललित भाई बताएंगे कैसा टेस्ट है। ट्राई किया आपने? नहीं, ये भी ट्राई तो करूंगा। ललित ट्राई कर रहे हैं एंड बताएंगे कैसा खाना है, तो जस्ट 2 मिनट और आप वेट कीजिएगा। काफी अच्छा अच्छा। तो थैंक्स बोलो, थैंक यू बोलो। थैंक्स मिस्टर जी। तो थैंक्स टू मी जो अभी पहले पहले यहाँ पे आके सीख रहे हैं हम खाना बनाना, एंड काफ़ी अच्छा खाना बन चुका है। ये सब बर्तन अभी साफ़ करने हैं, तो अभी पहले पेट पूजा करते हैं और फिर थोड़ा सा मौसम देखते हैं कि कैसा है। तो अभी बाहर निकलने लायक तो मौसम नहीं है, सो विल ट्राई 3-4 बजे तक हम जाएंगे अभी तो। और आज देखिए वीकेंड के दिन ये नज़ारा होता है, कोई भी बाहर नहीं निकलता, क्योंकि कल शायद सैटरडे को सबने पार्टी की होगी एंड अभी सब अपने घर में है, और आज शाम को फिर से निकलेंगे। शायद सन मंडे की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि भाई मंडे को दोबारा जाना पड़ेगा, ये वो तो सब जगह ही होता है। चलिए गाइस अभी खाना खाते हैं, देन आई विल कम बैक टू यू। सो हेलो दोस्तों, अभी दिन का खाना वाना हो गया था सारा कुछ, नहा धो के अब हम थोड़ा रनिंग करने निकले हैं। सो अभी जाते थे, धूप काफ़ी है यार, अभी भी इट्स 7-7 बज चुके हैं एंड तब भी काफ़ी धूप है, तो लेट्स सी कैसा पार्क में माहौल मिलता है। Days, you never wait for me. You never wait for me. Even when I So guys, भी दौड़ना स्टार्ट कर दिया, चला जाए। Hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. सो दोस्तों अभी पार्क के 2 चक्कर लगाने के बाद ये हालत हो गई है हमारी, एंड ललित है नहीं अभी, उसको ढूंढना पड़ेगा बिकॉज हमारे पास यहाँ का सिम कार्ड नहीं है, वो ख़रीदना था लेकिन बस ऐसे मूवी देखने लग गए, तो अभी इसको ढूंढना है कहाँ वो मिलेगा। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर एक दूसरे व्लॉग के साथ, बाय। एक फ़नी इंसिडेंस हो गया कि व्लॉग तो ख़त्म कर दिया लेकिन ललित ने बोला था कि इस बिल्डिंग के नियर बाई वो मिलेगा, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा, एंड हो गई वही कप जो जिसके बारे में जो सोचा था वही हुआ।
अभी वो मिल नहीं रहा, तो अभी इस वीडियो में एनालाइज करके हम देखते हैं कि वो वेदर अवेलेबल टू सपोर्ट हिम और नॉट। एक सैंडो पहने हुए लड़का है तो वो गुम हो गया है, उसको ढूंढ रहे हैं हम, तो होपफुली वो मिलेगा, देखते हैं। ओके हियर ही इज, या मिल गया गाइस, मिल गया। सो ओके बाय बाय, इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, अभी कुछ जूस वूस लेते हैं एंड देन आई विल कम बैक टू यू विद न्यू व्लॉग। तब तक के लिए चैनल को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर मेरे व्यूअर से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने 5-6 लोगों से ज़रूर चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कराए प्लीज़। सो आपके लिए अच्छी 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 चीज़ें मैं लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय।